नमस्कार साथियों, मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल करंटपुरी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड या हर्ट्ज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है। तो डेसीबल, जूल, एम्पियर या ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डेसीबल। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 730 वाट, 746 वाट, 600 जूल या 300 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 746 वाट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रेबोस्कोप, लक्स मीटर या घनत्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि लक्स मीटर। तो दोस्तों प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होती है। तो आपको इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 100 वाट, 10 वाट, 10,000 वाट या 1,000 वाट। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 1,000 वाट। तो दोस्तों एक किलोवाट 1,000 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है। तो ऊर्जा, दूरी, शक्ति या वेग। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि दूरी। दोस्तों प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.40 × 10^12 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक वोल्ट, एक एम्पियर, एक ओम या एक वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि एक एम्पियर। दोस्तों आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर एक एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय, और एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम प्रति सेकंड। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 746 वाट को क्या कहते हैं, एक अश्वशक्ति, एक किलो वाट, एक पास्कल या एक जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एक अश्वशक्ति। दोस्तों 740 वाट को एक अश्वशक्ति कहा जाता है। अश्वशक्ति शक्ति की मापन इकाई है। यह एक गैर एसआई इकाई है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पाइरोमीटर, एपिडाइस्कोप, पेरिस्कोप या ओडोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पेरिस्कोप। दोस्तों पेरिस्कोप से क्या है, ये पनडुब्बियों में लगाया जाता है और उसमें वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। दोस्तों आपको दिया है पाइरोमीटर। तो पाइरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों दिया आपको एपिडास्कोप। तो दोस्तों एपिडास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। और दोस्तों अगला ऑप्शन आपको दिया है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम में आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या मल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि बैरोमीटर। दोस्तों बैरोमीटर से क्या होता है, इसमें वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। आपको दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया गया लैक्टोमीटर। तो दोस्तों दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। थर्मोमीटर से आपका क्या, तापमान को मापा जाता है। और मल्टीमीटर एक कई उपकरणों को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसे मल्टीमीटर कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, स्ट्रेबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सनमीटर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि हेलियोस्कोप। दोस्तों हेलियोस्कोप का क्या काम होता है, तो सूर्य को देखने के लिए इसका ये यंत्र काम में आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी या वोल्ट मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी कि वोल्ट मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, वैरोमीटर या लैक्टोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गैल्वेनोमीटर। दोस्तों गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है, तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है एनीमोमीटर। तो दोस्तों एनीमोमीटर से हवा को मापा जाता है, बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से आपके दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टैकोमीटर। तो दोस्तों टैकोमीटर का प्रयोग शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और स्पीडोमीटर का क्या कार्य होता है? तो स्पीडोमीटर से आपके किसी किसी वाहन की गति को मापा जाता है, एनीमोमीटर से हवा को मापा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभव मापी मूलतः एक है तो क्या है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण या संकेतक उपकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मापन उपकरण। दोस्तों विभव मापी एक मापन उपकरण है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या बेम मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि एमीटर। तो दोस्तों एमीटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर का क्या कार्य होता है? इससे विद्युत विभव को मापा जाता है। ओम मीटर का क्या क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इससे प्रतिरोध को मापा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसको मापने के लिए स्टैलागमोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक या प्रकाशित क्रियाकलाप। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों स्टेलागमोमीटर का क्या कार्य है? तो पृष्ठ तनाव को मापना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, दिशा, दूरी, गंध या गति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि दूरी। तो दोस्तों ओडोमीटर का प्रयोग जो है वो दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जबकि गति को मापने के लिए दोस्तों स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्पीडोमीटर का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, वेंचुरी मीटर, रोटा मीटर या पिटार्ट ट्यूब या तप्त तार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पिटार्ट ट्यूब। तो दोस्तों पिटार्ट ट्यूब का क्या कार्य है? तो प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ये जो पिटार्ट ट्यूब है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मिश्र धातु के संघटन में, द्रव के प्रवाह की दर मापने में, तापमान में या गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल में। जबकि दोस्तों थर्मोमीटर का प्रयोग जो है तापमान को मापने के लिए किया जाता है, द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, करंट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर या वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो दोस्तों जो मल्टीमीटर होता है उसमें वोल्ट मीटर लगा होता है, करंट मीटर लगा होता है और ओम मीटर लगा होता है। इन तीनों को दोस्तों मिला करके एक आपका मल्टीमीटर तैयार होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर या हिप्सोमीटर या फैदोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि हाइड्रोमीटर। दोस्तों तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया, जैसे जल हो गया, ठीक है, जितने भी आपके द्रव हैं उनको मापने के लिए जो है वो तरल पदार्थ को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, लेजर, रडार, सोनार या स्कूबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सोनार। तो दोस्तों सोनार से क्या होता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाया जाता है सोनार से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई या समुद्री वनस्पति की सघनता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पानी की गहराई। तो दोस्तों जहाजों में इको लोकेशन का प्रयोग पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए क्या उपयोगी है? तो लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का क्या कार्य? ये दूध के घनत्व को निर्धारित करता है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर इस साइंस के अलावा करेंट अफेयर्स, जीके जीएस और दोस्तों हिंदी की जो है विधिवत तैयारी कराई जाती है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।